हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी पर दोषी कर फांसी एवं 45,000 का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जनपद के चर्चित नाबालिग पीड़िता के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी पर दोष सिद्ध कर फांसी एवं 45,000 का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्स कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि मई पीड़िता की मां ने थाना जैंत पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अक्टूबर 2022 की शाम को जैंत निवासी सतीश पुत्र वृद्धा राम 30 उनकी 10 वर्षीय बेटी को घुमाने के लिए बहाने वहां से ले गया, जिससे उस बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या का शव को पीएबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जंगल में फेंक दिया गया, जिससे पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर धारा 363, 376 ए बी, 302 एवं 5 एम अपटा 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी संख्या 486/2022 है। 14 नवंबर को पुलिस ने युवक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसकी सुनवाई अपर नंत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने मुकदमे में गवाही एवं सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना। दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को अभियुक्त सतीश को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मृत्यु दंड की सजा दी गई है। आदेश पर कहा है कि अभियुक्त सतीश के फांसी के फंदे पर तब तक लटका जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, लेकिन उक्त दंडादेश तब तक निष्पक्षित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पुष्टि नहीं की जाएगी। इसके अलावा अभियुक्त सतीश को धारा 363 भारतीय दंड संहिता एवं अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 5 वर्ष के कठोर कारावास से 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्या लगता है जिस तरीके से आपकी बेटी कहते हुए आज आपको लगता है कि न्याय मिला है? आज न्याय मिला है, अच्छा न्याय मिला है। सदन में आपको सदन में न्याय दिखाया, बढ़िया कर दिया। प्रशस्ति पत्र है, इतनी जल्दी आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी आपको न्याय मिल जाएगा? नहीं सर, उम्मीद तो नहीं थी, सदन ने न्याय दिखाया है सब। ये आज आपकी बेटी के मामले में फैसला आया है, क्या कहेंगे अदालत के फैसले को लेकर? कहेंगे साहब, बहुत जल्दी फैसला हुआ हमारे साथ, पूरा इंसाफ मिला हमको। हमें हुसैन साहब बल्कि जरिए से उन्होंने भागदौड़ करी, मैंने भी नहीं करी और उन्होंने भी करी साहब। इतनी जल्दी हमें फैसला नहीं जाएगा, हमें इतनी जल्दी मिल जाएगा इंसाफ हमारे लिए, बहुत जल्दी इंसाफ मिला है। ये 13/10/2022 को पीएमबी पॉलिटेक्निक जंगल में एक बच्ची की लाश मिली थी। जब उसकी खोजबीन की गई तो मालूम पड़ा कि ये वादी दिलीप जो है इसकी 10 वर्षीय बच्ची को घर से बहला फुसला के ले जाके उसके साथ में दोस्तों को उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये इसमें सीसी फुटेज वगैरह उसके घर से लेके स्थल की कलेक्ट की है और इसमें थाना अंतर्गत था, उसमें हमारे जज साहब ने फैसला दिया है, फांसी की सजा सुनाई है। इसमें हमारी पूरी टीम, इसमें हमारे कोर्ट मॉडल, हमारे पूर्व सरकारी अधिवक्ता, हमारे भाई ये अनवर भाई है, हमारे पेशगार साहब, सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी, जिसमें आज ये जजमेंट आया। कितने दिनों में फैसला आया और कितने गवाह प्रस्तुत हुए थे अदालत में? जिसमें चार्जशीट में टोटल 20 गवाह बनाए थे आईओ के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने 10 गवाह जो मेन गवाह थे वो परीक्षित करवाए। उसमें ये आज करीब 25-26 दिन के अंदर हमने ये जजमेंट करवाया। कितने तारीख को घटना हुई थी? ये घटना हुई थी।